नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है हातिम ताई और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हातिम ताई 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंतासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहना और RM आर्ट्स प्रोडक्शन बैनर तले बाबू भाई मिस्त्री द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, संगीता बिजलानी और सक्षिमाकांत अलधर रंजीत संगीत और हमन कमल के गीत है। फिल्म का कथानक हातिम ताई अल की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो आई अरब जनजाति के एक प्रसिद्ध अरबपति कवि थे। वो बेहद उदार है और बहादुर होने के लिए आज तक अरबों के लिए एक आइकन है। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होती है। राजकुमार का नाम हातिम ताई होता है। जब वो व्यवस्था के पहुंचता है तो वो बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। ऐसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं। मरियम नाम की एक राजकुमारी उसे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में से खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सामान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही इस गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना हो होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिसर अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हातिम नजरुल मरियम और सुनीर गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और प्रमुख को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी, गुलनार विजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में सतीश शाह, नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ, बजरन के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर, गुरुगिंदर देतु के रूप में जसमी परी के रूप में सामुद्दीन सहस्त्र के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज। फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडाचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर हतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं।
जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीसा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पालन पोषण में बिरजू को ख्यात जो हदायत है जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा बिरजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए बिरजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश उजागर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। फिल्म प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट के रूप में अपमानित के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार करने रहे और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी जाता है उनके कारण। उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है, लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड ग्राइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाग के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रेट को लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहाँ युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो
बड़ी होते मेहनत करता राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चोपड़ा जहाँ से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उसे मिलने के बाद एक शतक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग से रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंत उसे शादी का प्रस्ताव रखती है और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। प्ले फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS 1900 सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाई माही के रूप में, कियारा अडवाणी, साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी, प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर, राजकुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो हमनी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने ही रहेगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो आदिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और फिल्मों को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर सनम बनाने हैं और अपनी शादियों को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द हैं जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में, संगीत बिजलानी गुजलान के विजेंद्र कुशंता अंजल के रूप में, सतीश शाह नजरुल के रूप में, किंग ऑफ एजेंट लेड के रूप में आलोकनाथ, बजरल के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया, तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार
कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोगा कपूर, गोविंदर सिंधु के रूप में जसमीत पड़ी के रूप में सामुद्दीन सहर्ष के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज। फिल्म के गाँव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडाचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनेक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिरट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हदायत है जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निगरानी के बाद ये एक ही घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। फिर प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में वो लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट के रूप में अपमानित के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। वहीं अपनी बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को राजनीति ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड ग्राइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाग के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर फैसला करते हैं और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम
का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमाण स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहाँ युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चोपड़ा झा से मिलता है और जो उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक साथक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्म खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है, साक्षी रिंग से रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS 1900 सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा दनाए माही के रूप में, कियारा अडवाणी, साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी, प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर, राजकुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदमी अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। यतिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने ही रहेगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे स्थाप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी, उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही इस गुलनार परी पत्थर में बदल लगती है, राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हातिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने के हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और प्रमुख को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर सनम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक
से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 डू जिन्ना दौड़ा वो हातिम के साथ फौजों के पूरा करने के लिए अंतिम वादा है। जिस हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी हुलनार विजेंद्र गुस्ता अंजल के रूप में सतीश शाह नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ बजरन के रूप में राजा मुराद सोनू बालिया शायरा के रूप में अमरीश पुरी जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने दिवंगत के रूप में राजेश विवेक मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर गोविंदर सिंधु के रूप में जसमी परी के रूप में सामुद्दीन सहर्ष के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज फिल्म के गाँव जल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडरचारी है इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर हतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देते हैं बिरजू का अपहरण कर लेता है जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनेक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिरट के पालन पोषण में बिरजू कुख्यात जो हत्या थे जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा बिरजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए बिरजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझ कर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिरजू को धोखा देता है वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है तो अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिरजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिरजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बिरजू निर्मम हो जाते हैं। निगरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिरजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल तेलुगु मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। कि प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक कम चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट के रूप में अपमानित के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। वहीं अपनी बल्लेबाजी से उधार करने रहे और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है लेकिन उनका ट्रॉफी नशीत है। उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइड
खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाव के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर फिर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक प्रेसर का क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका झा से मिलता है और जो उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक शतक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्म खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग से रावत होटल अधिकारी उसे उपचार देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने इच्छा छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS होनी सुयों सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाय माही के रूप में, कियारा अडवाणी, साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी, प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में से खूबसूरत झुमड़ों से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सामान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही इस गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है, राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार पड़ी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हातिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की पड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और फिल्मों को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी
बानी मरियम और मुनीर सनम बनाने हैं और अपनी शादियों को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी मौज खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी, हुजलार के विजेंद्र कुंता अंजल के रूप में सतीश शाह, नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेड के रूप में आलोकनाथ, बजरन के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमला के रूप में देव कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर, गोविंदर सिंधु के रूप में जसवी पड़ी के रूप में सामुद्दीन सहर्ष के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज। फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडाचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीसा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनुदायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हदात है जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्तक देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निगरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट के रूप में अपमानित के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपने बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी
अन्यथा उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाग के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमल स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चौहान झा से मिलता है और जो उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक सातक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्य खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग्स रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे बेफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंतत उसे शादी का प्रस्ताव रखती है और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS होनी सुयो सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा दनाई माही के रूप में, कियारा अडवाणी साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने ही रहेगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सामान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है, राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार पड़ी और मरियम दोनों के परिसर अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हातिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम
अंतिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है, वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और प्रमुख को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर शरण बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी मौज खोज में हातिम का सामना जादूगर जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 डू जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है जिसमें हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी गुलनार युजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में सतीश शाह नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेड के रूप में आलोकनाथ बजरल के रूप में राजा मुराद सोनू वालिया शायरा के रूप में अमरीश पुरी जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने दिवंगत के रूप में राजेश विवेक मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर गुरगिंदर देतु के रूप में जसमी पड़ी के रूप में सामुद्दीन सहर्ष के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडाचारी है इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देते हैं, बुजू का अपहरण कर लेता है जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हदात है जिसके पूरण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों की नियुक्ति किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल तेलुगु मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को सांची में शुरू हुआ था। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन
अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट के रूप में अपमानित के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को राजनीति ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी जो कहता है उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड ग्राइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के बहाव के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रेट होने लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्याय करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहाँ युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चौहान झा से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उसे मिलने के बाद एक सातक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग्स रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। प्ले फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS होनी सुयों सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा दनाय माही के रूप में, कियारा अडवाणी साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल परियम और मुनीर परियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही इस गुलनार परी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हातिम नजरुल मरियम और सुनील
गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रस्त अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो सात सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन समों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और प्रमुख को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर शरण बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जिस हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी, गुलनार के विजेंद्र कुशनता, अंजल के रूप में सतीश शाह, नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ, बजरन के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर, गुरगिंदर देतु के रूप में जसवी पड़ी के रूप में सामुद्दीन सहस्त्र के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज। फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडरचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीसा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनुदायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हैदरा थे जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निगरानी के बाद ये कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011
क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में सुर्खी होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट के रूप में अगवानी के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। वहीं अपनी बल्लेबाजी से उधार करने रहे और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करते हैं। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफ उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड ग्राइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाग के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर फिर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमानसर रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, एक उसे दलित ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चौहान झा से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उसे मिलने के बाद एक सातक बनाते हैं। वो वैलेंटाइन डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्य खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग से रावत होटल अधिकारी उसे उपचार देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS अपनी सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाय माही के रूप में, कियारा अडवाणी साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो हनी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में से खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम
पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही इस गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है, राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि सात सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार पड़ी और मरियम दोनों के पड़ी से अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हातिम नजरुल मरियम और सुमीर गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सरप्रस अन्नत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो सात सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन समों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और फिल्मों को पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी मौज खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में, संगीत बिजलानी हुजनार युजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में, सतीश शाह नजरुल के रूप में, किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ, बजरन के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोगा कपूर, गोविंदर सिंधु के रूप में जसप्रीत पड़ी के रूप में, शामुद्दीन सहर्ष के रूप में, पेराचल्ली के रूप में, धीरज फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडरचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी निष्क्रियता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर हतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनैतिक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और विजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हैदरा थे, जिसके विषय पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धक्का देता है। वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुंचता है और जहां हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो अस्वस्थ देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाता है। निगरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से दो साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था।
रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। कि प्रोडक्शन सिक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को सांची में शुरू हुआ था। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट के रूप में अगवानी के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। वहीं अपनी बल्लेबाजी से उधार करने देते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करते हैं। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी नोशिश है उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइस खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाव के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर बेफैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका झा से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उसे मिलने के बाद एक शतक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्य खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुँचती है। साक्षी रिंग्स रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS होनी सुयों सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा दनाय माही के रूप में, कियारा अडवाणी साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदमी अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और इसके पीछे कई कारण होगा। यतिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलशन
गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झुमड़ों से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिसर अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हातिम नजूल मरियम और सुनीर गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और फिल्मों को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। हातिम अल तई के रूप में संगीत बिदलानी गुलनार विजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में सतीश शाह नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ बजरंग के रूप में राजा मुराद सोनू वालिया तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी जादूगर कमलक के रूप में दीप कुमार मुखिया बने दिवंगत के रूप में राजेश विवेक मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर गोविंदर देवी के रूप में जसमीत परी के रूप में शामुद्दीन सरस के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर रणबार सिंह एक इस क्षेत्र का अंडरचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देते हैं। बिरजू का अपहरण कर लेता है जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनैतिक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिरट के पालन पोषण में बिरजू कुख्यात जो हत्या थे जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा बिरजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए बिरजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है। वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है तो अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निगरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की
में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। कि प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को सांची में शुरू हुआ था। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पांड सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पांड सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट के रूप में अपमानित के लिए अनुमानित करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को राजनीति ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी नेता है उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड ग्राइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाग के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका झा से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उसे मिलने के बाद एक साथक बनाते हैं। वो वैलेंटाइन डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्य खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग से रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही उन्हें डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS 1900 सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाई माही के रूप में, कियारा अडवाणी साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल
थोरियम और मुनिर थोरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं कर नहीं रहेगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो हतिम नजूल मरियम और सुनीर गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और कमों को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी गुलनार विजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में सतीश शाह नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेड के रूप में आलोकनाथ बजरन के रूप में राजा मुराद सोनू वालिया तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने दिवंगत के रूप में राजेश विवेक मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर गुरगिंदर देतु के रूप में जसमी परी के रूप में श्यामुद्दीन सहर्ष के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज फिल्म के गांव जल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडाचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस गुरुता का कड़ा करता है और वो जागर को बेचकर हतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हत्या थे जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार जनता ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है तो अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है।
और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है, वो बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बीजू निर्मम हो जाते हैं। निगरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बीजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। फिल्म प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को सांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। वंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपर के रूप में अपमानित के लिए अनुरोध करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को राजनीति ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफ उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के बहाव के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रेट को लेकर फिर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमल स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका झा से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उसे मिलने के बाद एक साथक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग्स रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतिष्ठित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए माही ने इच्छा छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह माही सिंह धोनी उर्फ एस एस धोनी के रूप में सुशांत दफा दनाई
माही के रूप में, कियारा आडवाणी, साक्षी सिंह, धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी, प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर राजकुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और इसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उससे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही इस गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करता है कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना होता है। गुलनार पड़ी और मरियम दोनों के परिसर अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो आदिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और प्रमुख को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना सुदूगर जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौरा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जिस हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी, गुलनार के विजेंद्र कृष्णता, अंजल के रूप में सतीश शाह, नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ, बजरन के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया, तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर, गुरविंदर सिंह के रूप में जसमी पड़ी के रूप में शामुद्दीन सहर्ष के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडाचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस गुरुता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हत्या थे जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं।
जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है। जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है तो अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्तः देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाता है। निगरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करता है। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियोज पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। थी प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट के रूप में अपमानित के लिए अभिनित करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। वहीं अपनी बल्लेबाजी से उधार करने रहे और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने के दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाग के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रेट को लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहाँ युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक प्रेसकअप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चौहान झा से मिलता है और जो उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक सातक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्म खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग्स रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही उन्हें डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी वारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS 19
सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह माही सिंह धोनी उर्फ एस एस धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाई माही के रूप में, कियारा अडवाणी साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर राजकुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने ही रहेगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झुमड़ों से मुख होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार परी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना हो होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो आदिम नजरुल मरियम और सुनीर गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और प्रमुख पूरा करने में सफल होते हैं। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जिस हातिम अल तई के रूप में संगीत बिजलानी गुलनार की विजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में सतीश शाह नजरुल के रूप में किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ बजरल के रूप में राजा मुराद सोनू वालिया तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने दिवंगत के रूप में राजेश विवेक मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर गुरगिंदर सिंह के रूप में जसमीत परी के रूप में सामुद्दीन सहर्ष के रूप में पेराचल्ली के रूप में धीरज फिल्म के गांव जल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जनबर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडाचार्य है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी निष्क्रियता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देते हैं। बुजू का अपहरण कर लेता है जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हदात है जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में
भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है। वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्ता देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियोज पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। कि प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में सुर्खी होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में वो लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट के रूप में अपमानित के लिए अपमानित करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी जो जाता है उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने के दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाव के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक प्रेसगत क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका झा से मिलता है और जो उससे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक साथक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्य खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुँचती है। साक्षी रिंग से रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का
डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है। जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतिष्ठित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी बारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने इच्छा छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS 1900 सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाय माही के रूप में, कियारा अडवाणी, साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी, प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो सुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने ही रहेगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुक्त होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही इस गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है, राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना हो होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो आदिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और फिल्मों को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर शरण बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमल से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में, संगीत बिजलानी हुलनार के, विजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में, सतीश शाह नजरुल के रूप में, किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में, आलोकनाथ बजरन के रूप में, राजा मुराद, सोनू वालिया शायरा के रूप में, अमरीश पुरी जादूगर कमलक के रूप में, देव कुमार मुखिया बने दिवंगत के रूप में, राजेश विवेक मुनीर के रूप में, विजेंद्र घोटिया सुनिंद्र के रूप में, गोंगा कपूर गुरगिंदर सिंधु के रूप में, जसमी परी के रूप में, सामुद्दीन सहर्ष के रूप में, पेराचल्ली के रूप में, धीरज फिल्म के गांव जल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडरचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर हतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देते हैं, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनेक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और विजट के पाल लन पोषण में बिरजू कुख्यात जो हदात है जिसके पूर्ण उनके
डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा बिरजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए बिरजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है। वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्तक देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निगरानी के बाद ये एक ही घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। थी प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को सांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट के रूप में अपमानित के लिए अपमानित करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गणराज्य ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी जाता है उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइस खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाग के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रेट को लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमाण स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहाँ युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता है, राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चौहान झा से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक सातक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से
अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्म वो खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है साक्षी, रिंग से रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है जैसे ही वो मना कर देते हैं वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी बारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS होनी सुयों सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाई माही के रूप में, कियारा अडवाणी, साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी, प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर कुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। यतिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने ही रहेगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसके सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उससे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना हो होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो आदिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की बड़ी के पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसके मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और प्रमुख को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादी को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी मौज खोज में हातिम का सामना सिद्धुगर जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में, संगीत बिजलानी गुलनार, विजेंद्र कुशनता अंजल के रूप में, सतीश शाह नजरुल के रूप में, किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोकनाथ, बजरन के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया तय शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोगा कपूर, गोविंदर सिंधु के रूप में जसवी पड़ी के रूप में, सामुद्दीन सहर्ष के रूप में, पेराचल्ली के रूप में, धीरज फिल्म के गांव चल कोर्ट में शुरू होती है जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंडरचारी है। इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा
करता है और वो जागर को भेजकर तारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देता है, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में ब्रिजू कुख्यात जो हदायत है, जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा ब्रिजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा अलायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो बर्खास्त देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई की है। प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट के रूप में अपमानित के लिए अपमानित करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार करने रहे और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाव के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रम को लेकर फैसला करते और अपने दिन की पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमानसरू रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहां युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो
बड़ी होते मेहनत करता राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका चोपड़ा जहाँ से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उससे मिलने के बाद एक सातक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग्स रावत होटल अधिकारी उसे पहचान देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतिष्ठित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। फिल्म फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी बारी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS होनी सुयों सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाय माही के रूप में, कियारा अडवाणी साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर राजकुमारी उससे दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वो उसे बताती है कि वो मुन्नी नाम के राजकुमार से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवित रहते हैं उससे पिता उसे किसी से शादी करने करते देगी। आदिम अपने पिता के फैसले से हैरान और महसूस करते हैं और उसके पीछे कई कारण होगा। आदिम उसका दोस्त नजरुल परियम और मुनीर परियम के महल के जाकर राजा से पूछता है कि वो अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण मरियम शादी नहीं करना सकती। एक दिन जब राजा अपने आलीशान कमरे से हो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में सब खूबसूरत झुमड़ों से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है और उसकी बेटी मरियम जिसमें भी शादी करेगी उसे शादी की रात मर जाएगी और मरियम पत्थर से बदल जाएगी। जैसे ही गुलनार पड़ी पत्थर में बदल लगती है, राजा श्रम मांगते हैं और वो उस पर दया करते हैं कि 7 सवाल छोड़ती हैं जो उसे चाहिए या किसी और जो जवाब देना हो होता है। गुलनार परी और मरियम दोनों के परिस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत है। जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वो आदिम नजरुल मरियम और सुनील गुलनार की बड़ी की पत्थर की खूबसूरत मूर्ति दिखाता है। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। राजा हातिम को चेतावनी देता है कि सर्वप्रश्न अन्यत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वो 7 सवालों का जवाब देता है। हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों का जवाब तलाशने ही हातिम को एक परी मिलते हैं जो बिल्कुल गुलनार परी जैसे दिखते हैं। वो बताते हैं कि वो गुलनार परी की जुड़वा बहन परी नहीं है। वो हातिम का उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और वे दोनों प्यार पर जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी को मदद मांगने की कहते हैं और गुलनार उसके लिए कठिन और फिल्मों को पूरा करने में सफल होती है। गुलनार परी वापस जीतने की आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा जाता है। हातिम परी बानी मरियम और मुनीर श्रम बनाने हैं और अपनी शादियों को तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलक से होती है। कमला के ट्रेडमार्क शब्द है जिन्ना दौड़ा। वो हातिम के साथ खोजों के पूरा करने के लिए अंतिम बाधा है। जितेंद्र हातिम अल तई के रूप में, संगीत बिजलानी गुलनार विजेंद्र कृष्णता अंजल के रूप में, सतीश शाह नजरुल के रूप में, किंग ऑफ एजेंट लेट के रूप में आलोक नाथ, बजरन के रूप में राजा मुराद, सोनू वालिया शायरा के रूप में अमरीश पुरी, जादूगर कमलक के रूप में देव कुमार मुखिया बने, दिवंगत के रूप में राजेश विवेक, मुनीर के रूप में विजेंद्र घोटिया, सुनिंद्र के रूप में गोंगा कपूर, गोविंदर सिंह के रूप में जसप्रीत पड़ी
के रूप में, सामुद्दीन सहसी के रूप में, पेराचल्ली के रूप में, धीरज फिल्म के गांव जलकोट में शुरू होती है, जहां एक जानवर ठाकुर जानवर सिंह एक इस क्षेत्र का अंधाचारी है, इंस्पेक्टर जगीर उसकी इस क्रूरता का कड़ा करता है और वो जागर को भेजकर अतारो लाइसेंस और पीटर के साथ उसे ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। जगदीप अपने मातृहीन बच्चों अनीशा और विजेंद्र बिरजू के साथ रहता है। एक रात हत्यारे जगदीप की हत्या करने देते हैं, बुजू का अपहरण कर लेता है, जबकि अविनाश को एक पुलिस संयुक्त राजा अपनाता जाता है। साल बीतने जाते हैं और अविनाश उठी बन जाता है और अपनी पत्नी सुधा और बेटी अबली के साथ अनेक जीवन व्यतीत करते हैं। लेंस और बिजट के पाल लन पोषण में बिरजू कुख्यात जो होता है, जिसके पूर्ण उनके डेंटमार्क के रूप में किया जाता है। अब वे एक गहना खरीदने के लिए एक अंतिम कार्य सौंपते हैं। नियति के तरह उजागर की शिकार चंदा बिरजू को नष्ट करने की सहायता के लिए उसका पीछा करता है। इसका फायदा उठाते हुए बिरजू उसकी डकैती में शामिल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन चंदा को पकड़ लिया जाता है। चंदा के माध्यम से अविनाश अजगर के बारे में भी सीखता है और अतीत की याद करता है। इस प्रकार वो जानबूझकर स्थानांतरित होकर जालकोट चला जाता है। इसके अलावा लायंस और बिजू को धोखा देता है, वो उन्हें घर लेता है और खजाना लेकर भाग जाते हैं। जब वो एक नई यात्रा शुरू करता है, जब ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, अविनाश एक यात्री के रूप में उससे मिलते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। इधर अविनाश अपने टैटू से बिजू को अपने भाई के रूप में पहचानता है, लेकिन खुद की बात है कि वो ट्रेन से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में बिजू जालकोट पहुँचता है और जहाँ हर कोई अविनाश के रूप में उसका स्वागत करता है। और शुरुआत में लापरवाह उजागर के अधीन है वो, बावजूद वो अस्वस्थ देखते हैं और बाद बिजू निर्मम हो जाते हैं। निरानी के बाद ये है कि घूंघट के नीचे एक अनजान व्यक्ति हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं। चंदा भी बिजू के ईमानदारी को देखकर चुप हो जाते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। धक अरुण पांडे द्वारा बायोपिक के विचार सामने रखा गया था। धोनी की सहमति से 2 साल बाद विकास शुरू होगा। नीरज पांडे की में फिल्म के निर्देशक के लिए संपर्क किया गया था जब वे बेबी पर काम कर रहे थे। पांडे ने धोनी की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की घटनाओं पर शोध करने के लिए कई लोगों की नियुक्ति किया। धोनी अंततः फिल्म के सलाहकार बनाए गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो पर 30 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया था और 31 दशकों के बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज प्राप्त की थी। हिंदी भाषा में रिलीज होने के अलावा इसे तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी डब किया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण मराठी रिलीज को रद्द कर दिया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। ये 2016 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और दुनिया भर में 2016 की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। 215.48 करोड़ की कमाई के की है। फिल्म प्रोडक्शन सीक्वेंस के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का एक सीन है। विराट कोहली का क्रिकेट के लेने के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। फिल्म 7 जुलाई 2021 को चांची में शुरू होता है। अस्पताल में प्रसूति इकाई में पान सिंह धोनी मोहम्मद सिंह में है, उन्हें लड़की हुई है या लड़का। बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम महेंद्र माही सिंह धोनी रखा। पान सिंह एक पंप चालक है और भाई मैदान में पानी डालते हैं। पंचन अलबाद माही को और फुटबॉल खेल में लोकप्रियता करते हुए वो क्रिकेट कोच द्वारा देखा जाता है। वो उसे स्कूल क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट के रूप में अपमानित के लिए अपमानित करता है और प्रभावित करने के बाद उनका चयन करता है। माही अपनी बल्लेबाजी से उधार कर लेते हैं और टीम के नियमित सदस्य बन जाते हैं। 3 साल बाद बड़ा हुआ माही एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जीतने के मदद करता है। काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद माही को गराजी ट्रॉफी के लिए चुना गया है, लेकिन उनका ट्रॉफी उनके कारण उन्हें अपने दोस्तों की मदद से बावजूद कोलकाता पहुंचने की देर हो जाती है। लेकिन माही ने हार नहीं माना और अपने पिता को खुश करने के लिए टिकट कलेक्टर के रूप में गुड गाइज खड़गपुर स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सालों बाद माही को बहन जयंती शादी करने की दोस्त गौतम गुप्ता से होती है। कुछ समय बाद माही अपनी नौकरी के लेकर उदास हो जाती है। अपने बहन के भाव के साथ माही अपने काम के साथ साथ विक्रेट को लेकर फैसला करते हैं और अपने दिन की
पाली के बाद विक्रम का क्रिकेट का अध्ययन करने का जाता है। वो विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेता है और परिमान स्वरूप रेलवे के लिए उसका चयन हो जाता है। अच्छे प्रदर्शन के बाद वो भारत की राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रयास करता है। बिहार पंजाब से हार जाता है और जहाँ युवराज सिंह का स्कोर 201 से है और माही सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसे दलीप ट्रॉफी के लिए चुना जाता है। माही अपने क्रिकेट छोड़ देता है और अपने पिता की स्वीकार करने की क्रिकेट की उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण इच्छा है और वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। वो बड़ी होते मेहनत करता राष्ट्रीय टीम में चुना जाता है और अपनी शुरुआत करती है। वो एक कार्यालय सलाहकार प्रियंका झा से मिलता है और जो उसे दोस्ती करता है और उसे मिलने के बाद एक शतक बनाते हैं। वो वैलेंटाइंस डे उपहार के रूप में उसके लिए एक घड़ी खरीदते हैं, लेकिन रास्ते में एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। माही फिर से अब साथ में चला जाता है और 2007 क्रिकेट विश्व कप में उसका कार्य खराब हो जाता है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वो T20 विश्व कप जाते हैं और वो भारतीयों को टेस्ट मैच में नंबर एक रैंकिंग पर ले जाता है। 2010 की माही एक होटल में पहुंचती है। साक्षी रिंग्स रावत होटल अधिकारी उसे उपचार देंगे विफल रहता है और बाद में उससे माफ़ी मांगता है। वो जल्द ही डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और माही अंततः उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और जब वो उसे वैलेंटाइन के का डे का उपहार खरीदने का उल्लेख करती है, जैसे ही वो मना कर देते हैं, वे शादी करते हैं और माही 11 विश्व कप के लिए प्रतीक्षित करते शुरू करते हैं। वो अंततः एक नए खिलाड़ियों के साथ टीम का विकास करता है। प्रीलिम फाइनल में लौटती है जहां माही एक महत्वपूर्ण बाकी बाड़ी के साथ दबाव कम करती है। जब 4 रन चाहिए, माही ने इच्छा छक्का मारे और भारत फाइनल जीत गए। मैच देख रहे हैं उनके परिवार, दोस्त और कोच खुशी से आंसू रो रहे हैं। क्रेडिट के बाद असली SMS होनी सुयो सीमाओं से चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, माही सिंह धोनी उर्फ SS धोनी के रूप में, सुशांत दफा धनाई माही के रूप में, कियारा अडवाणी, साक्षी सिंह धोनी ने रावत माही की पत्नी के रूप में, दिशा पटानी, प्रियंका झा माही की प्रेमिका के रूप में, अनुपम खेर